कश्मीर में आम लोगों के साथ जुड़ने के लिए सेना निरंतर प्रयास करती है। इस कड़ी में हज जाने वाले कश्मीरी यात्रियों से जीओसी चिनार क्रॉप्स लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने सोमवार को हज हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हज यात्रियों से कश्मीर में अमन की प्रार्थना करने की बात कही। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने हज यात्रियों को मुबारकबाद दी, साथ ही भारतीय सेना की तरफ से हाजियों को यात्रा की सफलता की प्रार्थना की। उन्होंने हज यात्रियों से कहा कि वे अपनी यात्रा के दौरान अपने परिवार के साथ कश्मीर में भी अमन के लिए प्रार्थना करें। इस दौरान सेना कमांडर ने हज पर जाने वाले कश्मीरी यात्रियों को उपहार भी दिए। भाई बंधु हज की यात्रा के लिए जा रहे हैं और दूसरी श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि कश्मीरी भाई बंधु हुई उसको सफल कर रहे हैं, तो ये दो यात्राएं बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से चल रही है। तो इसलिए मैं अमरनाथ यात्रा में पहले जा चुका हूँ और आज जितने हज में जाने वाले हमारे यहाँ के कश्मीरी नुमाइंदे हैं उनसे मिलने के लिए आया था और उनको उनकी यात्रा मुबारक हो, हज मुबारक हो, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके गांव को खुशहाली मिले। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में अमन और शांति दोबारा से बहाल हो, यही अल्लाह ताला से हमारी एक बहुत बड़ी उनसे उम्मीद है और एक उनसे रिक्वेस्ट और प्रेयर है। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा पूरे कश्मीर में? हज एक ऐसा मौका है जो हर एक मुसलमान के दिल में एक तमन्ना रहती है कि जिंदगी में कभी न कभी मेरे को हज में जाने का मौका मिले। तो आज इस मुबारक मौके पे जितने भी यहाँ से साथी हज के लिए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए एक ही मैसेज है कि अल्लाह ताला से जाके अपने परिवार के लिए खुशहाली की प्रेयर कीजिए और कश्मीर के लिए अमन और शांति की प्रेयर कीजिए। और अल्लाह ताला की रहमतों में बहुत बहुत कुछ है, अल्लाह ताला कश्मीर में बिल्कुल शांति बहाल करवाए। LCW इंडिया के लिए कश्मीर से हुर्रा की रिपोर्ट।